नमस्ते, मैं प्रीति, मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टमाटर का चोखा बनाना बता रही हूँ। इसे घर में हम बहुत ही आसानी से और कम समय में तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखें, इसके लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। टमाटर का चोखा बनाने के लिए हमें चाहिए 6 मीडियम साइज के टमाटर, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 6 से 7 लहसुन बारीक कटे हुए, 1 नींबू का रस, पिसी हुई लाल मिर्च स्वादानुसार, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल, आधा छोटा चम्मच देसी घी, 1 टुकड़ा कोयला यानी चारकोल का, इसे हम बाद में चोखे में स्मोकी फ्लेवर देंगे। सबसे पहले हम टमाटर को भून करके तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम इस तरह की चाली का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेते हैं, इसे मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। इस चाली को हम इस तरह से गैस पर सेट कर देते हैं। अब हम टमाटर को इसके ऊपर रख देंगे और भुनने देंगे। गैस की आंच को हम मीडियम ही रखेंगे। देखिए, टमाटर हमारे भुनने लगे हैं एक तरफ से। अब इन्हें हम धीरे से घुमा करके पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ भी अच्छे से भुन जाए। इन्हें हमें चारों तरफ से अच्छे से भून लेना है। थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें हम बहुत ही हल्के हाथ से पलट देंगे और भून लेंगे। इन्हें भूनने में करीब 5 से 7 मिनट लग जाएगा। आंच को हम मीडियम ही रखेंगे। देखिए, टमाटर अब चारों तरफ से भून करके तैयार हो गए हैं। इन्हें मैंने घुमा घुमा करके चारों तरफ से भून लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी टमाटर भी भून करके तैयार कर लेंगे। देखिए, सभी टमाटर भून करके तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तब हम इनका छिलका छील करके निकाल लेंगे। सभी टमाटर अब ठंडे हो गए हैं। अब इन्हें हम छील लेते हैं। इस तरह से हम टमाटर को लेंगे और धीरे धीरे इसका हम छिलका निकालेंगे। बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल जाता है। देखिए, टमाटर को इस तरह से हम छील लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा भी छील लेते हैं। सभी टमाटर को हम छील करके तैयार कर लेते हैं। देखिए, सभी टमाटर के छिलके मैंने निकाल करके तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम मैश कर लेते हैं। देखिए, टमाटर अच्छे से मैश हो गया है। अब इसमें हम बाकी सामान डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस, नमक, नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं, पिसी हुई लाल मिर्च, मैंने यहाँ पर हरी मिर्च भी डाली है इसीलिए लाल मिर्च थोड़ा कम डालेंगे। अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिला देंगे। सभी चीजें आपस में अच्छे से मिल गई हैं। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे। लहसुन मैं इसमें पका कर डालूंगी। लहसुन पकाने के लिए हम एक तड़का वाला पैन लेंगे और इसमें हम 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे।
तेल को गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम लहसुन डाल देंगे। गैस की आंच को हम धीमा ही रखेंगे और धीमी आंच पर लहसुन को लाल होने तक पका लेंगे। देखिए लहसुन हमारा लाल हो गया, गैस को हम बंद कर देंगे। अब इसे हम जो टमाटर का चोखा हमने तैयार किया था उसमें हम इसे डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। सभी चीजें अच्छे से मिल गई हैं, चोखा हमारा बन करके तैयार हो गया है। वैसे आमतौर पर टमाटर का चोखा लकड़ी या कोयले पर बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसे यहाँ पर गैस पर बनाया है, तो इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए अब हम चारकोल का प्रयोग करेंगे। टमाटर के चोखे में स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे, इसकी आंच को हम मीडियम कर देंगे और एक चारकोल का यानी कोयले का टुकड़ा लेंगे और इसे गैस पे इस तरह से हम रख देंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। कोयला बिल्कुल लाल हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम एक छोटी कटोरी लेंगे इस तरह की और इसे हम चोखे के बीच में इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर अब हम जो कोयला हमने ये जला करके रखा था इसे हम रखेंगे। इसके ऊपर हम जो देशी घी है उसकी कुछ बूंदे इस तरह से ये आधा छोटा चम्मच देशी घी डालेंगे और इसे हम तुरंत ही ढक देंगे और इसे हम इसी तरह से 2 मिनट तक रहने देंगे जिससे कि स्मोकी फ्लेवर चोखे में अच्छे से आ जाएगा। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम खोल करके चेक कर लेते हैं। कटोरी को हम निकाल देंगे। अच्छे से चोखे को मिला लेंगे। अब इसे हम सर्विंग बाउल में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। तो देखिए स्वादिष्ट टमाटर का चोखा सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आने वाली रेसिपीज की जानकारी के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर कीजिए। थैंक यू।